फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ़ जेट एयरवेज तो फ्रेंड्स जेट एयरवेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं ऐसा लगता है कि जेट एयरवेज की जो सर्विसेज है वो जल्द से जल्द चालू होने वाली है और उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट है वैसे भी जो है जेट एयरवेज ने 2022 में प्रॉमिस किया है कि वो उनकी सर्विसेज रिज्यूम करेंगे और उन्होंने एनसीएल को उसके लिए रिक्वेस्ट भी किया था कि वो इस रिजोल्यूशन uh, को जो है फास्ट फॉरवर्ड करे और उसी के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स पिछले वन मंथ में हम पहले प्राइजेस को देख लेते हैं एट्टी वन का लो था वन ईयर की अगर हम बात करेंगे तो सिक्सटी फाइव का लो था और 141 का हाई था इसके फाइव ईयर्स की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो 883 इसका हाई है और ऑल टाइम मैक्स की अगर हम बात करेंगे तो तेरह जो है इसका ऑल टाइम हाई है तो अगर सर्विसेस इस प्राइस रेंज पे जूम होती है फ्रेंड्स तो आप सोच सकते हो कि इस शेयर में कितना पोटेंशियल है रैली करने का अगर ये कंपनी जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके क्वार्टर्स में जनरेट करना स्टार्ट करती है तो तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देने के पोटेंशियल इस पर्टिकुलर शेयर में और सर्विसेज भी जल्दी से रिज्यूम हो सकती है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहला अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए जेट एयरवेज टू गेट रुपीज करोड़ एज इंटर इंटरकॉर्पोरेट डिपोजिट फॉर सर्टन एक्सपेंसेस तो फिफ्टी करोड़ का जो अमाउंट है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है इंटरनल जो है उनके ही लाइक जो न्यू नए ओनर्स है जेट एयरवेज के उनके तरफ से ही जो है ये फंड इम्पोज किया गया है और इस फंड को वो यूज़ करेंगे इंटरनल एक्सपेंसेस को तो बहुत अच्छी खबर ये उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि एन सी एल टी एम आई ए एल टू गिव एक्सेस टू जेट एयरवेज एम्प्लॉयज टू तो इट्स हैंगर तो फ्रेंड्स हैंगर बेसिकली क्या होता है जहाँ पे सनलाइट से या जो भी बैड वेदर रहते हैं उससे जो है जो प्लेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जगह होती है उसको हैंगर बोलते हैं तो ये भी इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि अभी जेट एयरवेज को के जो एम्प्लॉयज है उनको इंटरनल एक्सेस दिए जा रहे हैं और उसी के चलते जो है यहाँ पर हमें ये भी पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि जेट एयरवेज के सर्विसेज शायद जल्द से जल्द चालू होगी तो फ्रेंड्स जेट एयरवेज़ की सर्विसेज कब एग्जैक्ट डेट पे चालू होगी और क्या उसका एग्जैक्ट अपडेट रहेगा किस मंथ में रहेगा तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इसके बाइंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो एनीथिंग क्लोज टू 65 फाइव टू एट्टी के बीच में जो भी प्राइस मिलेगा अगर अच्छा बाइंग प्राइस जो है मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये है इस प्राइस में अगर रेंज मिलता है ये शेयर तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रिटर्न हम होल्ड कर सकते हैं तो यही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो